मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस फैलने के मामले में सबसे ज़्यादा दिल्ली के मरकज पर हंगामा हुआ। आरोप लगा कि मरकज में बड़ी संख्या में जमात रुकी थी और यहीं से देश के अलग अलग हिस्सों में जमात के लोग गए भी, और इसी तरह से मुंब्रा में भी 13 बांग्लादेशी और 8 मलेशियाई नागरिक जमात यहाँ पहुँचे थे। मुंब्रा में आए तबलीगी जमात के 13 बांग्लादेशी, 8 मलेशियन और 4 स्थानीय जमात वालों को कल ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने टूरिस्ट वीज़ा के मामले में हिरासत में लिया और आज जमानत पर इन्हें रिहा भी कर दिया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से ये जमाती दिल्ली, मुंबई, रायगढ़ और ठाणे जिले के मुंब्रा में आकर ये जमात के लोग रुके थे। कुछ दिन पहले ही इनके कोरोना संक्रमण की जांच की गई थी, मगर सभी जमातियों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी और इन तबलीगी जमात के सभी लोगों को माहडा में क्वारंटाइन किया गया था। इनकी क्वारंटाइन समय सीमा जब कल समाप्त हुई, तभी इन जमात के लोगों को वीज़ा के मामले में ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने हिरासत में लिया और इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया और आदेश दिया गया है कि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक जमात का कोई भी सदस्य देश के बाहर नहीं जा सकता है। सभी को पुलिस के निगरानी में रखा गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।